आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। यूपी टीईटी वाले मामले को लेके जो काफ़ी लोग परेशान हैं और हम सभी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में पड़े हैं कि सरकार क्या फैसला करेगी, क्या निर्णय लेगी, इन सब मुद्दों को लेके आदमी चाहता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पे निर्णय आए और मामला हम लोगों का साल भर जो कामन नंबर मिलने हैं वो मिल जाए। क्योंकि देखिए, स्पष्ट है कि रिजल्ट आज तक आयोग ने रोक रखा है। कोर्ट में सारे मामले, शिक्षक भर्ती के सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और सरकार इसे देख रही है। ऐसा नहीं कि सरकार की नज़रों में नहीं है, सरकार की नज़रों में 100% है, फिर भी लटकाया गया है। देखिए, यहाँ धीरज दुबे ने, काफ़ी लोग परेशान जब हो जाते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। मैं बुरा ज़्यादा नहीं मानता हूँ, फिर भी धीरज दुबे जी, धीरज भाई साहब ने लिखा कि पेशेंस बनाए रखें। उन्होंने सबके लिए बोला है, प्लस मेरे लिए भी बोला है। और मुझे इस बात की खुशी हुई ना कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव विचार रखते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं। धीरज दुबे ने एक बार, धीरज दुबे जी ने मतलब ग्रुप में भी चीज़ें समझाई थी। मैंने कमेंट में उन्हें रिप्लाई भी, थैंक्स लिखा और ये भी लिखा कि कभी कभी मेरा मेरा भी हिम्मत हार जाता है, फिर आप जैसे कुछ लोग याद करता हूँ तो फिर से जाग जाता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, निगेटिव कमेंट्स करते हैं तो मेरा भी मनोबल टूट ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यादें आती हैं कि हाँ भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े आस से लगा के जुड़े हुए हैं। देखिए, तमाम छात्र तो ऐसे हैं ना कि जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, ना किए हैं, वो फिर भी आस लगा के बैठे हैं। कितने लोग उल्टा सीधा भी बोल लेते हैं, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे पैसा भी खर्च कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर के छात्रों के लिए लड़ भी रहे हैं, और सबको धन्यवाद देना चाहिए उन छात्रों को जो कोर्ट में याची बने हैं, क्योंकि वो सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, ये सभी लड़के लड़ रहे हैं। और इन्हें ही देख के ये एक आत्मविश्वास जगता है कि नहीं, जो भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा कमेंट देखिए क्या है, रोहित यादव जी ने बहुत ही सटीक कमेंट, बहुत ही सही किया है कि भाई कुछ नहीं होगा, यूपी टीईटी 2021 के बाद कितना सीटेट हो चुका है, काफ़ी लोग पास हो गए हैं, आप अकेले जो कर रहे हैं सराहनीय कार्य है, लेकिन भाई आयोग और सरकार इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहती है। अगर नंबर बढ़ाना होता तो कब का बढ़ जाता। और एक बात यह भी कि जो साथी अभी यूपी टीईटी और सीटेट नहीं पास हैं, वो पढ़ाई करके सीटेट जून 2023 का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जो इसके पीछे पड़े हैं यूपी टीईटी 2021 के, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए आप सभी साथी पढ़ाई करें जो आपके हाथ में है। देखिए, रोहित जी ने जो स्पष्ट अपना, उनके जो मन में विचार था उन्होंने स्पष्ट कह दिया। इनके बातों से मैं भी सहमत हूँ, ठीक है। और मैंने पर्सनल रोहित यादव जी और धीरज जी के लिए ही ये मैंने कमेंट्स लेके वीडियो बनाया हुआ है। उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने भी कुछ लिखा हुआ है कि रोहित भाई आपकी बात 100% सही है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ कोर्ट के भरोसे कोई छात्र न बैठे। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई कोर्ट के छात्र न बैठे, संभवतः प्रयास जारी रहे जिससे नेक्स्ट कोई भी एग्जाम सीटेट या यूपी टीईटी उसे पास करने की पूरी कोशिश हो। बाकी जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसके लिए हम तैयार हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भाई देखिए, यूपी टीईटी नहीं हो रहा है लेकिन सीटेट कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो कम से कम काफ़ी लोग सीटेट का फॉर्म ही नहीं डालते। अरे यार, बस थोड़ा सा दिल लगी से पढ़ लो आप तो सीटेट बल्कि यूपी टीईटी से आसान लगने लगता है। लेकिन थोड़ी सी टफ हो गया है जब से ऑनलाइन प्रक्रियाएं एग्जाम में शुरू हो गई हैं सीटेट में, ठीक है। और सरकार जानबूझकर मिलीभगत में रिजल्ट रुकवा रखी है। देखिए, लिखना नहीं चाहिए फिर भी मैंने लिखा है और यही सच्चाई है। कोर्ट में सभी मामले पेंडिंग रखा गया है, सरकार चाहे तो 2 दिन में सुनवाई कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। जबकि सभी को पता है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सभी छात्र परेशान होकर केस लड़ते हैं और बहुत बड़ी रकम खर्च भी होती है, जो बेरोजगार छात्रों का नुकसान ही है। जो बेरोजगार छात्र हैं जो पैसे खर्च करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और सिर्फ यूपी टीईटी 2021 या 19 या एडेड जूनियर, यही सब मामले नहीं है, शिक्षक भर्ती से संबंधित हजारों फाइलें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हजारों फाइलें शिक्षा विभाग की पड़ी हुई हैं। सारे फाइलें मतलब पेंडिंग चल रही हैं, किसी पे कोई निर्णय सही से आज तक नहीं आ पा रहा। भाई क्यों? और फिर भी आगामी सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कि हम इस भरोसे बैठे कि यूपी टीईटी होने वाला है, हम उसके भरोसे बैठे रहेंगे, ये सरासर गलत है।
सिटेट होने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, तैयार हो के और पूरी तैयारी करिए, ताकि तैयारी के साथ अगर यूपी टीईटी नहीं आता है तो सीटेट आ जाए। कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अप्रैल के लास्ट महीने में शायद यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भरा जाए, ठीक है, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के भरोसे बैठे रहने से बेहतर है ना कि आगे की प्रक्रियाएं करते रहिए। और इसमें दोनों फायदे हैं, अगर कोर्ट से बढ़ गया तो ठीक है, कोर्ट से नहीं बढ़ा तो कम से कम हम पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, तो कहीं ना कहीं यूपी टीईटी या सीटेट जब भी होगा तो हम उसे क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और बाकी कोर्ट का निर्णय आप लोग धैर्य रखिए, हम लड़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और साथ ही अभी देखिए एक कमेंट यहाँ पड़ा हुआ है अजीत कुमार जी का, इन्होंने लिखा है कि गलती आपकी नहीं, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब मार्कशीट बट जाएगी तब भी डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आयोग और सरकार सबकी मिलीभगत है। अगर मार्कशीट मिलने के पहले फैसला हो जाता तो संभावना व्यक्त की जा सकती कि कामन नंबर मिल सकता था। अब क्या उम्मीद की जाए, क्या अपर प्राइमरी की कोई अपडेट हो टेट 2021 वाले की तो बता दो क्या हुआ, ठीक है। दूसरा कमेंट है, सर आपसे बहुत उम्मीद है, निराश मत होने दीजिएगा हम लोगों को सर, ठीक है। देखिए इस पे अजीत कुमार जी हम यही कहना चाहेंगे कि अजीत भाई साहब ने जो कहा वो सच्चाई है, और लगभग लगभग जानते सभी हैं, और हर व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। जब भी हम वोट देने जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो वोट तो दे के आ गए हैं, लेकिन रोना गिलगिलाना आज तक बंद नहीं हुआ। तमाम लोग ऐसे हैं जो पछता रहे हैं। तो भाई देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं सारे भर्तियों को फंसा रखा है। शिक्षक भर्ती आज 5 साल हो गए, एक भी नहीं आई। और इसमें देखिए, जो प्रयास हमारा करना है मैं कर रहा हूँ, अजीत भाई साहब आपने समझा ही, मैं दिल से शुक्रिया आपको दे रहा हूँ। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मार्कशीट बट जाएगी, देखिए मार्कशीट बट भी जाएगी तो भी मामले पे सुनवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट बटे ना बटे ये अलग की बात है, रिजल्ट अगर बट भी जाएगी ना तो मामले को कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग को भी पता है, उसने जब कोर्ट से स्टे हुआ उसे भी पता है कि हाँ रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि डायट पे डाला गया था लेकिन आज तक रिजल्ट वितरण नहीं हुआ। उसको भी पता है कि आज नहीं कल सुधार होगा, और सुधार न करने की स्थिति में कोर्ट में सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। सरकार अगर चाहती तो कह के इसे मामले को निपटारा करवा देती, छात्रों के हित में फैसला जाता, संभवतः छात्रों के ही हित में जाएगा। काफ़ी लोगों का सवाल है कि सर जनरल ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। देखिए जनरल ऑर्डर पूरे चांस हैं कि जनरल ऑर्डर ही होंगे। अगर बाई दफे जनरल ऑर्डर नहीं हुए, याची ऑर्डर हुआ, तो जो ये कोर्ट में याची बने हैं उनको लाभ मिलेगा, यही सत्यता है। लेकिन जनरल ऑर्डर के ही ज़्यादातर चांस हैं, ठीक है। और एडेड जूनियर वाले में भी किसी में भी अभी पेंडिंग चल रहे हैं, किसी पे डेट नहीं लग रही है, सभी मामले को फंसाया गया है। और एक भाई ने लिखा है, युगवीर प्रताप जी ने, कि सर आपसे उम्मीदें हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ, और अपने तरफ से जो 100% होता है वो मैं पूरा का पूरा देता हूँ। बस ये है कि आयोग कोर्ट और सरकार से हम बड़े नहीं हैं, थोड़ा सा बस आप लोग धैर्य बनाइए। धन्यवाद।